उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। इस बार बीजेपी के लिए यूपी चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए वो राजनीतिक जंग को फतह करने के लिए जातिवाद का सहारा ले रही है। योगी सरकार यूपी में कोटे का कार्ड खेलने की तैयारी में है, तो किन किन जातियों पर है सरकार की नजर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश का चुनावी इतिहास बताता है कि जब जब सत्ता पर बात आती है पार्टियों को जातियां याद आती हैं। सभी दल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए जातियों को मोहरा बनाते हैं, रिजर्वेशन के बहाने राजनीति की राह को आसान बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी भी रिजर्वेशन का सहारा ले रही है। कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार निषाद की उपजातियों समेत 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इस कवायद से बीजेपी विपक्ष को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब आते ही अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग तमाम छोटे दलों ने तेज कर दी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा देकर ऐसी 17 अति पिछड़ी जातियों में से खास तौर पर निषादों को अपने पाले में खींचने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल इन 17 में से 13 उपजातियां निषाद समाज की हैं। इस समाज के नेता दावा करते हैं कि उनकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 13% है और करीब 160 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में कोई पार्टी इस जाति वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती और बीजेपी भी इस सच से वाकिफ है कि अगर जातियों का साथ नहीं मिला तो वो चुनावी जंग को हार भी सकती है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रही निषाद पार्टी के अध्यक्ष का मन पिछले दिनों बीजेपी से कुछ खट्टा हुआ था, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जैसे जैसे जातिवाद की बात करने लगी वैसे वैसे सहयोगी पार्टी भी साथ आने लगी। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे सांसद प्रवीण निषाद को यह आश्वासन मिल चुका है कि जल्द ही योगी सरकार 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आरक्षण प्रस्ताव विधानमंडल से पारित कराकर केंद्र को भेजेगी। यानी साफ है कि बीजेपी जातिवाद के सहारे अब सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष भी उन्हें रिझाने में जुटा है। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।